हाय फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि शायद मुझे ये वीडियो डालनी चाहिए थी या नहीं डालनी चाहिए थी, बट मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा था काफ़ी लोगों से, तो लोगों ने मेरे को बोला कि हाँ भाई डालनी चाहिए, तो इसलिए मैं डाल रहा हूँ। और मैं बता दूँ, ये मेरी लास्ट वीडियो है हॉरर व्लॉग वाली। इसके बाद मैं कोई हॉरर व्लॉग नहीं करूँगा आज के बाद, क्योंकि इस वीडियो में जो हुआ तो बस जैसे तैसे मैं बच पाया हूँ, और आगे सॉरी मैं गोस्ट की वीडियोज़ अब कंटिन्यू नहीं करूँगा। शायद इंटरनेट पे कोई ऐसी वीडियो नहीं होगी जिसमें साफ क्लियर ये क्लिप दिखाई गई है जो से मैं दिखा रहा हूँ। तो देखो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा भी हुआ कि रैंडम वीडियो शूट करते करते हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, बट जो हुआ खैर अच्छे के लिए हुआ। आप लोगों को भी शायद काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेगी इस वीडियो के बाद। और हाँ, इंटेंशनली मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, और किसी को ये वीडियो देख के किसी को बुरा लगे या फिर कैसे ही फील हो तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ आप सभी से, तो हो सके तो माफ़ कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यो 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 मेरे जिगर के छल्लो, कैसे हैं आप सब? और आप देख रहे हैं आपका अपना गौरव जोन है। सब सो रहे हैं यार, रात के 12:30 बज रहे हैं और हम ही हैं जो अकेले भाग रहे हैं, और एक ही गाड़ी वाला है जो जा रहा है। तो मेरे भाइयों, एक प्रॉब्लम आ गई है। आज ना सार्थक का फ़ोन आया, सार्थक कहता कि भाई एक प्रॉब्लम हो गया, सौरभ का आज ब्रेकअप हो गया है बेचारे का, तो काफ़ी देर से परेशान है और लड़ रहा है सबसे। तो मैंने कहा चलो आज उसके घर चलते हैं, नाइट आउट मारते हैं, उसे थोड़ा रिलैक्स करते हैं, ठीक है? तो चल, आज का सीन है कि हम नाइट आउट पे जाएंगे और फिर देखते हैं क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले चलते हैं और उसका मूड बनाते हैं। तो भाई, वो सौरभ रहता है गुड़गांव में, तो हम गुड़गांव जाने वाले हैं, ठीक है? और हो सके तो एक हॉरर व्लॉग की काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, तो सोच रहे हो एक हॉरर व्लॉग बनाया जाए। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो फटाफट ये बेल का आइकन दबा देना, क्योंकि यार काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भाई नोटिफिकेशन नहीं आ रही। और जो पहली बार देख रहे हो क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेना, कैसे बक्के, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी वीडियोज में लाता रहूँगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, बाय बाय बाय। तो दोस्तों, मैं बता दूँ, दिल्ली में जो घूमने का जो मज़ा है असली, वो खाली रात को ही आता है, क्योंकि रात को इतनी शांति मिलती है घूमने का, ना चिक चिक, ना पिक पिक, कुछ नहीं, ना ट्रैफिक, ना कुछ। और फिलहाल जो मेरे को जो अच्छा लगता है रात को, तो क्लब व्लब तो मेरे को जाना बिल्कुल पसंद नहीं यार, ना मेरे इतने दोस्त, और मुझे क्लबिंग व्लबिंग तो यार बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं ड्रिंक तो करता नहीं, ना मैं स्मोक करता, तो मेरे को क्लबिंग की लाइफ मेरे को समझ नहीं आती यार। पता नहीं लोग क्या करते हैं, और डिक चिक नाचते ही रहेंगे बस, और मेरे तो समझ से परे है। मेरा जो असली जो घूमने का मजा है वो है दोस्तों को उठाओ और ऐसी जगह निकल लो जहाँ पे शांति मिले, माउंटेन से, मतलब बेसिकली नेचर से कनेक्ट होना मेरे को बहुत पसंद है, तो वही मेरा नाइट आउट होता है। तो आज फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आज नाइट आउट हम कैसे मारते हैं। और ये देख सकते हो, जैसे पेट्रोल खत्म हो गया है, तो पेट्रोल डलवाना बहुत जरूरी है। तो कार भगाने में बहुत मजा आता है रात को, यही अलग बात है। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ पेट्रोल पंप पे, और पेट्रोल डल रहा है गाड़ी में, क्योंकि पेट्रोल के बिना यार सेफ नहीं है, ठीक है? ज़्यादा पीती है। हाँ, देख रहा हूँ भाई, और ज़ीरो हमेशा चेक कर लेना, ठीक है, जब भी डलवाते हो तो। तो दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं दिल्ली और गुड़गांव के बॉर्डर पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ से खतरनाक वाला मामला चालू होता है, और उसका घर भी ब्रिजवासन में है। जो भी नहीं पता जिनको, तो ब्रिजवासन नेट पर सर्च कर लेना कि कहाँ पर पड़ता है। तो फिलहाल ये यहाँ इलाका देखो, तो यहाँ से मामला चालू हो जाता है। अभी पहले सौरभ को उठाते हैं और फिर देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं, शायद भूत ढूंढने निकलेंगे और कहीं और भी निकलेंगे, तो पहले देखते हैं। आए है, आए है, गार्ड अंकल जी आ गए, अब ये पूछेंगे कहाँ जाना है बेटा। अंकल अंदर जाना सोनू के। कितनी देर में जाओगे? सिर्फ 5 मिनट, उसे उठा के जा रहा हूँ मैं। अच्छा, खोलो फटाफट खोलो। फाइनली हम उसके पहुंच चुके हैं और सब सो रहे हैं, यहाँ पे रात के 1 बज रहा है, 1:30, 12:30। तो चलते हैं उसको फटाफट और सरप्राइज देंगे झटके से, ठीक है? इसके घर पहुंच चुके हैं। हल्का सा इसका गेट हमेशा खुला रहता है, धीरे धीरे बोलेंगे क्योंकि इसके घर वाले सो रहे हैं। खोल बे। नाराज है, मेरे को भी धमका दिया। धमका दिया? मैं तो धमका दूंगा फिर। ओके, अकेले बैठा है? अकेले बैठे सो रहे हैं। सो रहे हैं? गेट बंद कर, गेट बंद कर।
हाँ भाई लौंडे, मेरी छमिया, क्या हाल है? बढ़िया, तू बता यार, क्या हाल हुआ? क्या हुआ भाई? बस दिमाग खराब है। क्यों? साले कैमरा क्यों ले आता हर जगह मेरे भाई, कभी तो छोड़ दिया कर। मैंने आज बोला कि भाई अपना भाई दुखी है, इसको खुश करेंगे अपने। साले तू हर चीज कैमरा में क्यों डाल देते, साले पिटेगा समझा? भाई क्या कर, भाई सोशल लाइफ है अपनी, अपने दिखाना पड़ता है कि अपना भाई दुखी है। आज तेरा मूड फ्रेश करना है स्पेशली। अब कैसे करेगा भाई, कैसे? चल बाहर चल रहे, चल भाई, दिमाग खराब है यार, यार समझा, घर पे बैठे यार। देख अब तेरा मूड, अब तू भाई है कोई नहीं, तू भाई है अपना। मैं तो स्पेशली घर पे बैठेंगे, सो ही बोरिंग लुक बनेगा, बुरा मत मानना। नहीं नहीं भाई, अब तेरे को ले जा रहे हैं पब्लिक को, मैंने बोला नाइट आउट मारेगा, भूत पकड़ेंगे। चलो भाई चमिया, चल भूत, भूत के नाम पे तो चल लो भाई। नहीं तो भाई भूत दिखाएगा जाने अपने। हाँ भाई देखते हैं, ट्राई करेंगे। फोन नहीं आया उसका? नहीं भाई, मैं मैसेज करूँ? बोल अबे रहने दे, छोड़ यार भाई, ब्लॉक कर अभी, ब्लॉक कर फटाफट जल्दी। ले भाई ब्लॉक करेंगे और फिर ले बेटा, मैसेज भी आया, फोटो जला के कर दे राख साले उसकी माँ की आँख। खोल यार, अबे फोन ही बंद कर दे भाई, छोड़। अरे फेंक दो फोन यार, फेंक दो फोन भाई, फोन ही बंद कर दे, छोड़ भाई। फोन कर 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 आपको दोस्तों, फोन फोन स्विच ऑफ, बाढ़ में जाए फोन, आज से लो फोन खत्म। अब चलो चलता है, चलो भाई, चलो चलो भाई, चल रहा अब नाइट आउट पे, चल रहा है अपने भाई के साथ, पकड़ते हैं। तो भाई क्या होने वाला है आज? ये तो बताएंगे धूम धूम भाई, बोर नहीं होना चाहिए, पिटेगा बता रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, आज है अमावस की रात, लौंडा मेरे साथ खोदेंगे गोभी लेके हाथों में हाथ, है ना भाई? डन डन डन, ओके चलो। तो दोस्तों हम इस लाइट को यूज करने वाले हैं, मेरे पे लाइट थी जो दुबई में ले गया था, ये लाइट तो एक बार ही जला के दिखा दूँ। एक्चुअली मैं इसलिए लाया क्योंकि जंगल में यूज करेंगे, ताकि दिखता नहीं है ना जंगल में, अंधेरे में पेड़ पौधे क्या है। तो ये देखो, ये लाइट इतनी खतरनाक है, ये देख रहे हो, और बहुत तेज लाइट है, बहुत तेज लाइट है। कैमरा नहीं पकड़ भाई, जंगल में मंगल करेगा क्या इससे? शायद हो भी जाए भाई, सारे जानवर पीछे पड़ जाएंगे, जंगल में मंगल करेंगे एक लाइट के साथ। तो देखते हैं हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, मजा। तो दोस्तों अभी हम फिलहाल आ गए स्टेशन पे, और अभी से यहाँ पे हमें वो दिख रही है नील गाय, जैसे आप वो देख सकते हैं, चार है, चार है, चार नील गाय है, एक कुत्ता ले रहा उनसे मजे। गौरव जोन ये क्या हो रहा है भाई, गौरव जोन क्या हो रहा है ये भाई? अपन जा रहे हैं, कित जा रहे भाई? मुंबई जा रहे, मुंबई जा रहे ला। वाह वाह दोस्तों, अरे कहां ले जा रहा है गौरव जोन को, कहां ले जा रहा है, कहां बेचने के लिए ले जा रहा है? देखो कितने मेहनत के लड़का हूं मैं, अबे सामान थोड़ी ना वो बेचने के लिए, तो बचा, रुक जा मैं बचाऊंगा तेरे को। तो दोस्तों अब ये करेंगे कुछ उल्टी उल्टी हरकतें, चलो चलो भाई, चलो भारी है ना, चला जा रहे भाई। अबे चला भाई, बेइज्जती खराब कर रहा है वो साले, गिरा मत दियो, चला जा रहे भाई। तेरा अलादीन का खजाना, सॉरी अली बाबा का खजाना, अभी खोलते हैं, खुल जा सिम सिम। तो फॉर्चुनेटली अभी हम वहाँ पहुंचे, ट्रेन मिल गई, मालगाड़ी भाई, मालगाड़ी इंजन लग रहा है मेरे को खाली, ये देखो क्या है, मालगाड़ी है, मालगाड़ी है, मालगाड़ी मालगाड़ी आ गई, माल तो आया नहीं, माल गए, माल आई गॉट माल, माल नहीं आया भाई, भाई खाली जा रही है। तो फिलहाल हम वहाँ से निकल आए, और अब हम जा रहे हैं कौन सी जगह है सौरभ भाई? गुड़गांव में कोई जगह है भाई, गुड़गांव में लोकेशन नहीं कोई जगह है, और जैसे आप ये देख सकते हैं डेड एंड लिखा पड़ा है, ठीक है, और आगे का सीन दिखाऊं तो ऐसे है पूरा हॉन्टेड है भाई, हॉन्टेड है पूरा, यहाँ पे कुछ नहीं है, देख रहे हो, बस जंगल जंगल और खाली रोड, और आगे घना जंगल है, वो आपको घना जंगल दिखाता हूं। तो आपको कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है, बस भूत देखना है आज, भूत देखना है। और ये मेरे साथ सार्थक है, ये पूरा लाइट कवर कर रहा है पीछे से, तो लाइट दिखा रहे जैसे साइड से, ताकि आगे से पूरी रोशनी दिखे। तो इस बार मेरे को उम्मीद है कि क्वालिटी आपको पूरी क्लियर आ रही होगी, और देख रहे हो कोई नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे आ गए, तो सौरभ कैसा लग रहा है तेरे को भाई? अच्छा लग रहा है, ठंडी सी लग रही है, और यहाँ पे इतना डरावना मेरे को लग नहीं रहा भाई, और अंदर चलते हैं पूरा, क्योंकि हम यहाँ पे रेगुलर आते रहते हैं, तो मेरे को इतना, हमको इतना फिलहाल डरावना नहीं लग रहा। तो हम सोच रहे हैं अंदर चलें खेतों में जाके, चलो अंदर चलते, और यहाँ से कुछ दिखाना चाहूँ तो आपको शायद दिख रहा हो कुछ, पता नहीं कौन सा इलाका ये। तो ये देखो यहाँ पे पूरा खाली है इलाका, यहाँ कोई जाता नहीं है कभी भी, यहाँ कोई जाता नहीं है, और गाड़ी फिर भी हमने घुमा ली इसमें अंदर, कुछ दिख तो रहा नहीं यार। वो दिख रहा है तेरे को कुछ भाई? पता नहीं क्या है भाई, वो दिख रहा है तेरे को? हाँ हाँ, वो पता नहीं क्या है यार, क्या है भाई वो? लो लो लो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, वो शायद देखो दोस्तों मेरे को कुछ दिखा, वो क्या है
अरे वो तो वो है ई रिक्शा, ई रिक्शा बैटरी रिक्शा। क्या कर रहा है भाई पता नहीं, जंगल में देख रहे हो दोस्तों ई रिक्शा क्या कर रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। लाइट बंद करिए एक बार, गाड़ी की लाइट बंद कर, कितना अंधेरा है देख। अच्छा हम आपको गाड़ी की लाइटें बंद करके दिखाते हैं कि यहाँ पे कितना अंधेरा है। ये देखो ये अंधेरा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, देख रहे हो। ये अभी मैंने बाहर निकाल दी, और ये पीछे जो रोड है जहाँ से हम गेट से घुसे थे, और ये आगे है पूरा सुनसान है। अब देखो फिर से लाइट जलाता हूँ, तो बहुत हॉन्टेड प्लेस है, देखो भूत मिलता है कि नहीं मिलता। तो दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है गेट में, अभी हमने ये शीशा खोल दिया ठीक है, तो यहाँ पे ये शीशे ने काम करना बंद कर दिया है, मेरे ऑटोमेटिक शीशा है देखो देखो देखो, ऊपर करा ऊपर कर रहा हूँ नहीं हो रहा, दिक्कत हो रही है, देखो ये हो ही नहीं रहा ऊपर, पता नहीं क्या, अब शीशा खुला रह गया मेरा। तो अब यहाँ पे अंदर पता नहीं कौन सा कोई गाँव सा है, और यहाँ पे कब्रें वबरें भी थी साइड में लगी पड़ी है, बता रहे हैं यहाँ पे सौरभ कब्रें भी है ना, कब्रिस्तान पूरा कब्रिस्तान है आगे आगे पूरा कब्रिस्तान है, बट देखते हैं। एक रोड भी खराब है देख रहे हो, सड़क खराब है यहाँ पे, कोई लाइट कुछ भी नहीं यहाँ पे, ना इंसान ना इंसान की जात। और चलते हैं देखते हैं क्या मिलता है आगे, रोड पूरी खराब है देखो। तो अब उतर के देखते हैं और खेतों में जाके देखते हैं कुछ दिखता है कि नहीं। चलो भाई उतरो उतरो उतरो, यो यो यो, तो देखो कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। सौरभ भाई उतर गए, कुछ कहाँ ले आया तू, क्या करेगा भूत दिखा के मानेगा क्या आज? तो चले भाई खेत में, चले चल भाई, चल खेत में चल, चला भाई फ्लैश जला और उतर, गाड़ी हमने स्टार्ट ही रखी है, को कुछ भसड़ हो जाए तो चले ये फ्लैश भाई, मैं यहाँ ये बंद कर दे क्योंकि फिर गांव वाले ना आ जाए। तो फिलहाल ये है पता नहीं शायद गोभी का खेत है, ये नहीं पालक का भाई, पालक है। पटाखे क्यों फूट रहे हो यहाँ भाई, गोली चल रही है, है? नहीं 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 खुली रहने दे भाई, गोली चल रही है आगे, पटाखे नहीं है वो। तो ये सीन है। तो दोस्तों सामने पूरा लुक देख रहे हो, पूरी लाइटें हमने बंद कर दी हैं ताकि आपको ये पूरा लुक दिखे। भाई तू ये काले आया मेरे को भाई, कुछ दिख भी नहीं रहा या तो दोस्तों सामने लुक देख रहे हो, पूरे हमने गाड़ी की लाइटें बंद कर दी हैं और पूरा हॉरर लुक है, पूरा हॉरर। और ये पूरा गांव है जैसे आप ये देख सकते हैं, सब बंद है, सब बंद ए टू जेड, और गाड़ी हमने भगा ली है। यहाँ पे कुछ नहीं है, ना इंसान ना इंसान की जात। तो ये जगह है गुड़गांव और दिल्ली के बॉर्डर पे जहाँ पे हम फिलहाल आ चुके हैं, तो ये लास्ट जगह है, यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है कि नहीं, देखते हैं भाई क्या पता मिल जाए। और जगह देखो एक बारी, पूरे सुनसान है, यहाँ भी कोई नहीं आता। ओ शिट 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 शिट, क्या हिल भी रहा है भाई, फक फक फक, चल भी रहा है भाई, भाग 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 ले, बैग ले भाई, बैग ले, बैग ले, जल्दी ले जल्दी ले। ओ तो दोस्तों वो क्लिप बस इतनी थी, उसके बाद ऐसा हुआ हम इतने डर गए थे कि हमने गाड़ी भगा ली, और वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं था क्योंकि जबान ही नहीं निकल रही थी, इतनी दुख दुख हो रही थी दिमाग में और दिल में। और जो हमारे साथ जो सार्थक था वो तो बंदा रो ही पड़ा कि पता नहीं क्या हो गया उसे, फिर जैसे तैसे शांत कराया और फिर हम घर आए, और अब मैं क्लिप बना रहा हूँ। तो मेरे को तो समझ नहीं आया कि वो क्या था, इंसान था या फिर सच में भूत था, मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। और मैं जानना चाहता हूँ आपकी राय क्या है इस क्लिप के बारे में, कि आपको क्या लगता है कि कौन था वो, कमेंट करके मेरे को ये भी बताना कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या। मैं जानना चाहता हूँ ऐसी जो हरकत हुई है सिर्फ मेरे साथ ही हुई है या आप में से किसी के और के साथ भी हुई है, तो प्लीज कमेंट करके मेरे को बताना, और मैं सभी के कमेंट लाइक करूंगा ठीक है। तो कमेंट एक बार करना जरूर कि क्या सोच रहे हैं आपके इसके बारे में। और दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यूजर नेम आप ये देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो मैं वहां गया था पूरी स्टोरी वहां से मैंने इंस्टाग्राम पे डालता रहा था, तो इंस्टाग्राम पे पहले पता चल गया था कि यहाँ भी ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं इंस्टाग्राम से आपसे सुझाव लेता रहता, तो आप अपने ओपिनियन वहां पे शेयर कर सकते हो, तो मुझे फॉलो कर लेना। और हाँ अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये लाल कलर का बटन दबा के, क्योंकि ऐसी बढ़िया वीडियोस मैं डालता रहता हूँ। और अगर आप और कोई वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज मैं वो कमेंट करके बताएगी, हम भाई इस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो हम और बना देंगे आपके लिए ऐसी वीडियोस। तो ठीक है आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।